सीएम योगी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार कड़ी नजर बनाए रहते हैं। कोई भी त्योहार हो या प्रदेश में घटी कोई घटना, सीएम योगी उस पर खुद एक्शन लेते हैं। तो ऐसे में आने वाले आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करी। बैठक में बकरीद, कांवड़ यात्रा और सावन मेले के संबंध में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा, 10 जुलाई को बकरीद और 14 जुलाई को शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। वहीं भड़काऊ बयान देने वाले शरारती तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ाई से पेश आया जाए। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तेज गर्मी के चलते मार्ग में पीने के पानी की व्यवस्था भी कराई जाए। कांवड़ मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की बिक्री न हो। सुअर बाड़ों की भी सही से व्यवस्था की जाए। वहीं आपको बता दें, बकरी ईद और कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने 5 कड़े निर्देश दिए हैं। प्रतिबंध पशुओं की कुर्बानी न हो। बकरी ईद पर कुर्बानी के लिए पहले ही तय जगह पर कुर्बानी होनी चाहिए। विवादित जगह कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। कुर्बानी के बाद अपशिष्ट के व्यवस्थित निस्तारण की कार्य योजना होनी चाहिए। डीजे का वॉल्यूम कंट्रोल में रहे, सिर्फ धार्मिक गीत ही बजाए जाए। कांवड़ यात्रा आस्था के उत्साह का कार्यक्रम है। परंपरागत रूप से नृत्य गीत संगीत इसका हिस्सा रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं का उत्पीड़न न किया जाए। डीजे गीत संगीत आदि की आवाज धीमी रहे और केवल धार्मिक गीत ही बजाए जाएं। कोई नई परंपरा शुरू न होने दे। पर्व त्योहार में शासन सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए। धार्मिक परंपरा और आस्था को सम्मान दे, लेकिन कोई नई परंपरा शुरू न हो। आयोजन को अनुमति देने से पहले उनसे शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए। खुले में मांस की खरीद बिक्री न हो। श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की खरीद बिक्री न हो। यात्रा मार्ग पर सफाई बनी रहे, स्ट्रीट लाइट की सुविधा हो। गर्मी तेज है, ऐसे में मार्ग में पीने के पानी की व्यवस्था भी कराई जाए। त्योहार पर सभी को पूरी बिजली मिले। गाँव और शहर क्षेत्रों में पर्व त्योहारों के बीच बिजली की आपूर्ति सही रहे। कहीं से भी अनावश्यक कटौती की शिकायत न आए, इसकी नियमित समीक्षा की जाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सीएम योगी ने साफ कर दिया है, अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उसका हर्जाना भुगतना होगा। तो ऐसे में कांवड़ यात्रा और बकरी ईद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले आपको कैसे लगे? आप भी जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर जो हमारे चैनल को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए।